धन्यवाद आप सभी जो हमारे मॉकड्रिल जो मॉकड्रिल में हमारा सहयोग कर रहे थे सभी लोगों को पहुंचेगी और बचाव की टीम नागरिक दुर्घटना से बोल रही आए हुए हैं और नागरिक सुरक्षा से बोल रहा हूँ और ये भैया इधर आ जाओ बाहर हुआ है और जो बाहर रहेंगे यहाँ दुर्घटना हुई है और अभी हमारे पास यहाँ पे लोग आ रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस सिविल डिफेंस की हमारी गाड़ी आ चुकी है और हमारे जितने भी वार्डन हैं के आने के बाद आज बता रहा है तब तक हमारे कंट्रोल रूम में संदेश जाने के उपरांत जो जो हमारी विभिन्न एजेंसी हैं जिसमें फायर ब्रिगेड फायर हमारे फायरमैन भी हैं फर्स्ट एडर भी हैं रेस्क्यूअर हैं सिविल डिफेंस के वार्डन्स हैं ये सभी लोग आ करके लोगों के बचाव के कार्य में लग गए हैं। तब तक आप यह देख रहे हैं कि ये कुछ लोग और फर्स्ट एडर हैं वो अपना एक स्टेजिंग एरिया अपना चिन्हित करके वहाँ पर कैजुअल्टी जो आएंगी उनके बचाव का कार्य प्रारंभ करेंगे। आप इन बिटवीन भवन में आग लगी हुई थी उसको फायर ब्रिगेड वालों ने बचा करके किनारे कर दिया हुआ है और रेस्क्यू टीम ये पेट्रोल आ गए जो बुझाने के लिए जो आग की मालूम है उसका लक्ष्य है कि वो आग को इस तरीके से बुझाए जल्द संपर्क खत्म हो जाए और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आग बुझ गई ऑक्सीजन से संपर्क खत्म करके इस आग को बुझाई जा रही है जैसे यहाँ पर इस इंसिडेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सके। प्रदीप प्रदीप वहीं से आना नजर आ रही है एक रेस्क्यूअर उसको अपनी पीठ पर लाद के लेकर आ रहा है कैजुअल्टी जिसके पीठ में शायद संभवतः चोट लग गई है उसको पीछे बैक माध्यम से यहाँ से घूमना है पूरा ठीक है ना वहाँ पर हमारी चेरियत बैठी है उसके सामने से घूमना है तो ये नहीं कर पाएंगे गुड़िया तो इसके साथ दूसरी एलसी होनी चाहिए। हाँ बांध करके उस कैजुअल्टी को सीधे उतारने की प्रक्रिया कर रहे हैं। नीचे की तरफ जो हमारे रेस्क्यूअर हैं वो गाइडलाइन के रूप में उस ऊपर से जो कैजुअल्टी ऊपर से भेजी जाएगी उसको जो है नीचे के ऊपर से भी एक बोलाइन लगा करके कैजुअल्टी को सीधे धीरे 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 ब्रेकिंग डिवाइस के रूप में धीरे धीरे करके उसको छोड़ेंगे इस आशय के साथ कि कैजुअल्टी ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत तेज गति से नीचे ना आ जाए इस आशय के साथ ऊपर ब्रेकिंग डिवाइस के रूप में आप देख रहे हैं कि एक रस्सी को धीरे 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 दो लोग ऊपर से छोड़ रहे हैं और नीचे से दो रेस्क्यूअर उसको सपोर्ट कर रहे हैं
आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी ताली बजाकर इनका मनोबल बढ़ाएं। जिस तरीके से कैजुअल्टी या एक विषम परिस्थिति में इस प्रक्रिया के माध्यम से हम कैजुअल्टी को ऊपर से नीचे उतारते हैं, जिसमें जहां पर हाई राइज बिल्डिंग है उस हाई राइज बिल्डिंग के नीचे कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सीधे कैजुअल्टी उतार सके। दूर में मुझे कैजुअल्टी उतारने के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से हम कैजुअल्टी उतारते हैं। कैजुअल्टी को पुनः जो है रस्सी के जो स्ट्रेचर के साथ जो रस्सी बंधी हुई है उसको फोन करके फिर कैजुअल्टी को लेकर के कैजुअल्टी कलेक्शन पॉइंट पर कैजुअल्टी को रस्सियों के माध्यम से टू पैनल रोप के माध्यम से कैजुअल्टी को नीचे उतारने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे 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 कैजुअल्टी को नीचे उतारी जा रही है और सभी लोग एकदम एकदम शांति से इस चीज को इस आशय से देख रहे हैं कि कैजुअल्टी को शांत आराम से कैजुअल्टी नीचे उतर जाए, कहीं से किसी तरीके से कैजुअल्टी करते हैं, मजा आता है, वो कर लेते हैं। चिंता ना करो, चलो आओ, आओ पीछे, छोड़ो ना ऊपर, छोड़ो और पीछे जाओ। डीटीडी के केंद्रीय संस्थान में जो है आज लॉकडाउन का कार्यक्रम रहेगा, जैसे कि आपदा जैसे आगजनी के को लेकर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए, किस तरह से बचाव राहत बचाव पहुंचाया जाए, उस पर कार्यक्रम था, कैसे देखते हैं? हवाई हमलों से नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि दुनिया के देशों में बंकर हैं, हमारे देश में बंकर नहीं है। अब हवाई हमला होता है, जैसे हवाई हमले हुए, किस तरीके से आग लगी, कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, तो इसको अचानक कैसे बचने का काम किया जाए, एक मॉक अच्छी मॉक ड्रिल के द्वारा आग से बचने के उपाय, बमबार से बचने के उपाय, बाहर ऊंचाई पे कैजुअल्टी हुए उसको नीचे उतारने का उपाय, इस मॉक ड्रिल के द्वारा जो दिखाया गया, ऐसे कार्यक्रम हम इम्पॉर्टेंट स्थानों पर भी और आगे कराएंगे ताकि हमारे नागरिक अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकें, दैवी आपदाओं में वो सुरक्षित बच सके। इस तरीके से इसके लिए आज लखनऊ में मॉक ड्रिल हमारे नागरिक सुरक्षा के संगठन में लगे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है बधाई देता हूं और भाग लेकर इसमें नागरिकों को प्रशिक्षित करने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कई चुनौतियां रहती है, आग लग जाती है, कई यंत्रों का अभाव रहता है, इसको लेकर किस तरह से तैयारी हो रही है? देखिए, जहां चुनौतियां हैं इस तरीके से इमरजेंसी के काम हैं, यहां जो कमियां हम देखने में मिलेंगी उन कमियों को पूरा करेंगे, नागरिकों को हर स्तर पर मदद करने का काम हमारे सिविल डिफेंस के माध्यम से करने का काम किया जाएगा।